जांजगीर चांपा जिले के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों की मौत का आंकड़ा बढ़ते ही चला जा रहा है। एक दिन पहले दो मजदूरों की फिर से मौत हो गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले जिले के मुलमुला क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर में भी एक मजदूर की मौत हो गई थी। जिले में अब तक क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे तीन लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं लोग कोरोना बीमारी से मर रहे हैं तो कहीं कोरोना के कारण अव्यवस्था से लोगों की जान जा रही है। बात करें जांजगीर चांपा जिले की तो यहां भी कोरोना के चलते तीन लोगों की मौत हो चुकी है। पहला मामला मुलमुला से सामने आया था जहां क्वारंटाइन सेंटर में एक मजदूर की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई थी। वहीं दूसरा मामला कल सामने आया है जहाँ एक गर्भवती महिला की जो है क्वारंटाइन सेंटर में उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई थी, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसका मृत बच्चा पैदा हुआ और कुछ घंटे बाद महिला ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसी प्रकार एक और मामला सामने आया है जो हसौद से निकलकर सामने आया है जहां एक प्रवासी मजदूर जो कि पहले से काफी गंभीर अवस्था में था जिसे अस्पताल न ले जाकर अधिकारियों ने क्वारंटाइन सेंटर ले गया जहाँ भी उसकी दर्दनाक जो है मौत हो गई है।